क्या आप अपने ईयरबड्स 141 से संबंधित किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं? निश्चिंत रहें, आपके ईयरडोप्स की समस्याएं जैसे कि एक साइड काम ना करना, कनेक्टिविटी की समस्या, साउंड की समस्या, माइक की समस्या अब तुरंत ठीक की जा सकती है। अपने ईयरडोप्स 141 को रीसेट करने के लिए नोट, रीसेट करने से पहले सेटिंग में जाएं और डिवाइस को अपने फोन व लैपटॉप से अनपेयर या फॉरगेट कर लें। स्टेप 1, दोनों ईयरबड्स को केस से बाहर निकालें। जब ईयरबड्स पेयरिंग मोड में हो तब ईयरबड्स के दोनों टच सेंसर पर एक साथ 5 बार टैप करें। रीसेट होने पर 2 सेकंड के लिए एक LED लाइट चलती है। अब दोनों ईयरबड्स को वापस केस के अंदर रख दें और फिर ढक्कन को बंद कर दें। केस का ढक्कन खोलें और अपने ईयरबड्स को दोबारा से अपने फोन या लैपटॉप से पेयर करें या फिर उसी में अपने डिवाइस का नाम चुनकर कनेक्ट करें। बधाई हो, आपका एयरडॉप रीसेट कर दिया गया है। नोट, अगर रीसेट से आपके एयरडॉप्स की समस्या ना सुलझे तो मैनुअल पावर ऑन करने के लिए ईयरबड्स के दोनों टच सेंसर को एक साथ 2 सेकंड तक दबाए रखें। एक लाल लाइट जलकर बुझ जाने पर मैनुअल पावर ऑन होने का संकेत देती है।